everyone, I'm Akanksha, welcoming you all. And in this video, we are going to discuss the question answers of Oft in the Stilly Night. So, Oft in the Stilly Night रो entire chapter को मो previous video रे cover करतीली. आज हमे आरो question answers को discussion करिबा. So, प्रथमे हमे जानिबा. तो तमन को फिर remind कर दवा पई चाहूची Oft in the Stilly Night रो माने कोन. So, Oft in the Stilly Night. Oft रो अर्थ होची often, बारंबार in the Stilly Night. स्टिली अर्थ हूँ काम मान शांत निरल राति सो पॉइट पॉइट किए अच्छा थॉमस मोर पॉइट थॉमस मोर को सांगे गोटे स्टिली नाइट रे गोटे काम आंत राति किसी घटुचे कौन घटू जानते मेमोरीज विषय पोएम कहुई राति माइंड को बहुत मेमोरीज आसूची तो आम पॉइट आसिक पहुंचा ओल्ड एज रे सो ओल्ड एज रे सांग मान बहुत मिस कर दिन गुड़ी को भावुंत जो गुड़क चली जाइए भावुं किपर जड़े जड़े सांगर सामने डेथ हो जाऊ सी एका ही ए दुनिया चली सो सी रात आगर माइंड को किसी मेमोरीज हंट कर किसी भल मेमोरीज अच्छी किसी बैड मेमोरीज अच्छे भल मेमोरीज भितर से कौन देखुं दिन गुड़ी को मजा मस्ती से काटुले आते भल थी से दिन गुड़िक आखिर गोटे चमक था समस्त प्रति भल पाइबा हृदय बट एवं कौन है सी आसिक ओल्ड एज रे पहुंची जाती लगुच दैट हि इज द ओनली वन हुईज ट्रेडिंग एलोन दैट मीन हि इज द ओनली वन हुईज वॉकिंग एलोन जे कि एका चलुच गोटे बंकेट हॉल सांगे कंपेयर कर लाइफ को जो थी कि सी एका ही चली सांग फैमिली मेम्बर्स सांगे कहीं ना सो आज आम यार क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कशन करवा सो थिंक इट आउट When do the past memories occur to the point? Occur अर्थ हूँ happened. Past memories गुड़िक बीती स्मृति गुड़िक point को mind को केते बड़े आसे. So the past memories occur to the point before he finds himself in deep sleep. So गभीर निद्रा रे सोइबा आगरु that means इटे गोटे line दिया हेतिला air slumber's chain has bound me. Air रो अर्थ हूँ before. So निद्र सिकुड़ी slumber's रो अर्थ हूँ deep sleep. आउ chain जोटा बंधा जाए बांधिबा पेंगे जिनसो को यूज करा जे दैट इज कॉल्ड चेन सो डीप स्लीप्स चेन निदर सिकुली मते बांधिबा आगरु पॉइंट कहउजंती जे तांको माइंड को सेते बेले पास्ट मेमोरीज गुडी को आसी थाए माने डीप स्लीप रे गभीर निद्रा रे से सोइबा आगरु तांको माइंड को ए सब मेमोरीज गुडी को आसी थाए व्हाट डज अदर डेज मीन पोएम रे जो लाइन टी अछि अदर डेज सो अदर डेज रो माने कोनटी सो ही रेफर्स टू द चाइल्डहुड डेज or the days which are gone so gone by days kotha kuhauchi ba past days tanko childhood days ba tankaro young samay ro kotha eti kuhauchi jo dino guda ki se atikram kari ki asiki aji old age re pahunchi janti and he is missing those days jo childhood days gudi kare se bahut enjoy karthule tankaro friends man ko sangre se gudi ko abe past he yechi so those days are called other days here नेक्स्ट हूँ आर द मेमोरीज ऑफ बॉयहुड स्वीट और सैड बॉयहुड युवक समय बॉयहुड अर्थ हूँ युवक समय सो युवक समय जो दिन गुड़िक जो स्मृति गुड़िक स्वीट मान भल स्मृति ना सैड खराब स्मृति कोट द लाइन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर अ पोएम रु गोटे लाइन आणिक दवापाई कहुई हाउ डज द पोएट ग्रीव ग्रीव अर्थ हूँ दुख प्रकाश करने फॉर हिज डियर वन्स हू हैव पास्ड अवे पास्ट अवे इज अ फ्रेज जार अर्थ हूँ डेथ गोटे नंबर में बहुत गुड़ाक क्वेश्चन आमको पचराई प्रथम पचराई आर द मेमोरीज ऑफ बॉयहुड स्वीट और सैड सो ये आंसर प्रथम देखी ना जे बॉयहुड मेमोरी गुड़िक खराब ना भल एज इज नेचुरल चाइल्डहुड मेमोरीज आर अ मिक्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस सो कहारी चाइल्डहुड कंप्लीटली बैड न थाए कहारी चाइल्डहुड कंप्लीटली स्वीट न थाए सो इट इज अ मिक्स कॉम्बिनेशन पॉइंट को चाइल्डहुड मध्य गोटे मिश्रण थिला कहारो खुशी आउ दुख भरा स्मृति रो चीयर्स एंड टीयर्स चीयर्स रो अर्थ होची हैप्पीनेस टीयर्स रो अर्थ होची लुह मार्क द टाइम स्पेंट इन द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स हस कांदरे सी तांकर फ्रेंड्स मानको संगरे तांको सांगो मानको संगरे सी तांको समय को बितौथिले द फॉलोइंग टू लाइंस ऑफ द पोएम पॉइंट टू दिस सो एडी पचरा जाईची कोट द लाइन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर जदि तो माने भाबुच जे पोएट को लाइफ टा पोएट को पास्ट डेज गुड़ी को मेमोरीज आर अ मिक्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस सो सही बड़े लाइन पोएट रु कोट करिया पई सो एटी किछ लाइन दिया छी द स्माइल्स द टीयर्स ऑफ बॉयहुड इयर्स सो ए दुईटी लाइन रे क्लियरली पोएट हैज मेंशनड दैट तांको बॉयहुड इयर्स मन तांको
चाइल्डहुड डेज बा तांको पास्ट डेज गुडी को किभळि थिला स्माइल्स एंड टीयर्स खुशी आउ दुख भरा थिला गुडे मिक्स्ड इमोशन थिला तांको बॉयहुड रे. नेक्स्ट क्वेश्चन नेथे कोन दे छि, हाउ डज द पोएट ग्रीव फॉर हिज डियर वन्स हु हैव पास्ड अवे. सो पोएट किपरि दुख प्रकाश करिसेंति तांको निज लोक मानको पई बा तांको फ्रेंड्स मानको पई जो मानकर डेथ हे जाय छि. सो द पोएट ग्रीव्स फॉर हिज फ्रेंड्स हु हैव डिपार्टेड द वर्ल्ड. सो डिपार्ट रो अर्थ होछि प्रस्थान करिबा, जो माने कि ए दुनिया रो प्रस्थान करि जइछन्ति माने दुनिया छाडी कि चली जइछन्ति. सो द पोएट ग्रीव्स फॉर हिज फ्रेंड्स, कोई दुख करिछन्ति ग्रीव्स फॉर हिज फ्रेंड्स से संगमन को पई हु हैव डिपार्टेड द वर्ल्ड, जो माने कि दुनिया को छाडी कि चली जइछन्ति. ही रेफर्स टू देम ए शाइनिंग आइज, से तांको को भले रेफर करछन्ति बा इंडिकेट करछन्ति से संगमन को एज शाइनिंग आइज दैट आर डीम्ड एंड गॉन. शाइनिंग आइज एटी कहा कथा कहउची, जो आखी गुड़ी को बॉयहुड टाइम रे शाइन करथला माने चमकु थिला से आखिरे गोटे चमक थिला दैट आर डीम्ड एंड गॉन. आ जो चमकटा एबे देखा जाउ नाही माने से चमक एबे चली जाई छी कमी की पूरा ऑलमोस्ट चली जाई छी. नेक्स्ट क्वेश्चन बुझिबा, हाउ डज ही रिकॉल हिज फ्रेंड्स. रिकॉल माने मन पकाइबा, से तांको सांग मान को किबडी मन पकाई चंदी. द पोएट रिकॉल्स हिज डियर चाइल्डहुड फ्रेंड्स with whom he spent a lot of joyful moments. So poet tanko childhood friends man ko pila pila sangman ko mona pakai chanti, with whom jo man ko sangre he spent se atibahito karithile a lot of joyful moments, bahut khushi ro samay se man ko sangre se atibahito karithile. That deaths have broken his heart, au se man ko mrityu poet ko hrudaya ko bhangi dechi, and now he is living his old age with that broken heart. Next question ko dekhiba, does the poet feel lonely in the absence of his near and dear ones. Poet Thomas More tankaro nijo lokankaro absence re tanko nijo lokankaro anupasthiti re ka anubhav karuchanti ki, quote the line in support of your answer, and if you think it is true tale poem ru gote line nei ki nijo answer ko support karo. So yes, the poet feels lonely in the absence of his near and dear ones. To ha ame poem re dekhitilu je poet ko bartaman bahut ekka anubhav houchi je tanku laguchi se ekahi duniya re bachi chanti, because tankar near and dear ones mane tankar nijo lokon ko se hore dichanti. He is gripped by loneliness. Gripped ro artho chi jabudi ki dhariba, so loneliness ekakitu tanku jabudi ki dharichi. The absence of his old friends haunts him all the time. Nostalgia haunts the poet, gude line koithili mu padhela bale tanko purana past memories abe poet ko bisadagrasto karuchi ba sad feel karuchi. The line who treads alone says so, ko line ta kouchi जैसे एका अनुभव करुचंती हु ट्रेड्स एलोन. पोएम रे गोटे लाइन थिला आई फील लाइक वन हु ट्रेड्स एलोन, मुस एभले फील करुची जेमती कि मु एका वॉक करुची मूव्स एका चली छी मु. सो एई लाइन टा कहूची जे पोएट बहुत एकुटिया अनुभव करुचंती. देन आसिला नंबर 6, सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड टू मेक कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग एज लाइक. व्हाट फिगर ऑफ स्पीच डज द पोएट यूज टू एक्सप्रेस हिज लोनलीनेस. सो सिमिली गोटे जिनसो तमाने मन रख, सिमिली मेटाफर ए सब को फिगर ऑफ स्पीच बोली कहा जाए. फिगर ऑफ स्पीच कोनो, फिगर ऑफ स्पीच रो अर्थ होची अलंकार, जेंती हमर रूप को सजेवा पई हमें अलंकार रो व्यवहार करथौ, सेमिती गोटे सेंटेंस को सजेवा पई पोएट बा राइटर्स माने फिगर ऑफ स्पीच रो यूज करथांदी. सो देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, गोटे फिगर ऑफ स्पीच ता मध्ये रहूची सिमिली. सो सिमिली कहा को कहा जाए जेतेबेले दुईटा अलग अलग जिनसो को कनेक्टिव्स द्वारा, कनेक्टिव्स कोनो एज आउ लाइक ए भले कनेक्टिव्स दे की कंपेयर करा जाए ताको कहा जाए सिमिली. मेटाफर होची तार ठीक ऑपोजिट, दुईटा अनलाइक थिंग को बा दुईटा कंप्लीटली डिफरेंट जिनसो को जते बेले हमें कंपेयर करू, बट दिस टाइम नॉट यूजिंग कनेक्टिव्स लाइक एज और लाइक, ताको कहा जाए मेटाफर. सो मैं आउथे कहि रखुची दुईटा अलग अलग जिनसो को जते बेले हमें कंपेयर करथौ बा तुलना करथौ एज आउ लाइक भले कनेक्टिव्स को यूज करकी ताको कहा जाए सिमिली. आ जते बेले हमें दुईटा डिफरेंट जिनसो को कंपेयर करथौ कनेक्टिव्स रो यूज करिन थौ ताको कहा जाय मेटाफर. सो एटी क्वेश्चन कोन अछि, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच डज द पोएट यूज टू एक्सप्रेस हिज लोनलीनेस. पोएट तांकरो लोनलीनेस को दर्शेवा पई को फिगर ऑफ स्पीच रो यूज करिसथि. सो देखिबा द पोएट हैज यूज्ड मेटाफर, आउट ए फिगर ऑफ स्पीच एटा आसिला मेटाफर. द पोएट हैज यूज्ड मेटाफर टू एक्सप्रेस हिज ग्रीफ, मेटाफर रो यूज करचंदि तांको दुख को प्रकाश करिया पई. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड टू एक्सप्रेस इनएनिमेट बीइंग्स एज एनिमेट. इनएनिमेट रो अर्थ होची
निर्जीव आउ एनिमेट रो अर्थ होची जीवंत बा सजीव इज कॉल्ड पर्सनिफिकेशन सो जेते बेले आमे गुटे निर्जीव पदार्थ को जीवंत भलिया ट्रीट करथाउ बा सजीव वस्तुर गुण देखि ताको आमे कंपेयर करथाउ दैट इज कॉल्ड पर्सनिफिकेशन एटा आउ गुटे फिगर ऑफ स्पीच एटी कहा गला दैट इज कॉल्ड पर्सनिफिकेशन गिव द एग्जांपल ऑफ पर्सनिफिकेशन यूज्ड इन द पोएम सो गुटे एग्जांपल दवा पई कहा हिची जोथरे की पर्सनिफिकेशन रो यूज हिची द लाइन स्लंबर चेन हैज बाउंड मी सो निदर सिकुड़ी निद गोटे निर्जीव जिनस पॉइंट एटी ताको गोटे एनिमेट जिनस भलिया यूज करजंती स्लंबर चेन सो गोटे इनएनिमेट बीइंग बा गोटे निर्जीव जिनस केबे काहाकु बांधि पारे नाही तापई गोटे मनीषर हेल्प दरकार बट एटी पॉइंट स्लंबर चेन को गोटे एनिमेट भलिया यूज करजंती हैज बाउंड मी इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन सो एबे किछि ग्लॉसरी रे वर्ड दिया हिछि आमे त माने देखिबा ऑफ्ट रो अर्थ होची ऑफन बा बारंबार स्टिली रो अर्थ होची क्वाइट और काम शांत स्लंबर रो अर्थ होची डीप स्लीप गभीर निद्रा ट्रेड रो अर्थ होची टू वर्क चलिबा बंकेट रो अर्थ होची अ फॉर्मल मील फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल यूजुअली ऑन अ स्पेशल ओकेजन सो गोटे स्पेशल ओकेजन रे लार्ज हॉल को कहा जाए जो थे कि लोक मैंने मिल नहीं था खाद्य खाई कहुए बंकेट हॉल बंकेट हॉल डेजर्टेड एक्सप्रेसेस द लोनलीनेस ऑफ द लास्ट सर्वाइवर सो इट लास्ट सर्वाइवर कहा कथा को हाउची पॉइंट को कथा को हाउची जे की भाबुचंती मो सांगो माने चली गला परे मु एबे एका ही ए वर्ल्ड रे सर्वाइव करूची सर्वाइव रो अर्थ होची बंची छी सो इट लास्ट सर्वाइवर कहा कथा को हाउची पॉइंट को कथा जे की होउचंती बंकेट हॉल डेजर्टेड ए लाइन टी तांकर लोनलीनेस को एक्सप्रेस करूची डिपार्टेड रो अर्थ होची प्रकृति रे डिपार्टेड रो अर्थ होची प्रस्थान करिबा बट एठी डिपार्टर अर्थ होची डेड जो माने मृत्युवरण कर सारचंदी सो एबे आमे ए पोएम रो राइम स्कीम को देखिबा मो ऑलरेडी तो मन को राइम स्कीम बुझै छी केमदि काढा जाय राइम स्कीम ऑफ्ट इन द स्टिली नाइट सो लास्ट प्रोनंसिएशन को देखि के राइम स्कीम दिया जाय सो नाइट को प्रथमे आमे ए दे दबा ता पर लाइन जदि ता संगे मैच होची तले ए दबा नले ताको बी दबा एस लंबस चेन हैज बाउंड मी नाइट मी मैच करूनी सो एको आमे बी दबा नेक्स्ट फॉन्ड मेमोरी ब्रिंग्स द लाइट लाइट मी लाइट मैच करूनी नाइट लाइट एटी मैच होची सो याको आमे पुणी ए दबा ऑफ अदर डेज अराउंड मी मी एटी मी अछी सो याको आमे बी दबा द स्माइल्स द टीयर्स ऑफ बॉयहुड इयर्स सो टीयर्स संगरे नाइट बा मी एटी मिसुनी सो याको आमे सी दबा टीयर्स इयर्स मैच करची सो याको आमे अगेन सी दबा The words of love then spoken, spoken light, misuni, spoken me, misuni, spoken tears, misuni, so yaku ame puni D daba. The eyes that shone, again yaku diya habo D. So first tanjaro, murayim scheme kaadi dichi A, B, C, C, D, D. Amu chahu chi je poem ro pura rhyme scheme kaadi ki, tumane mate comment section likhi ki janao. So this much for today's video. We will be meeting in the next session. Until the time we meet next, stay tuned to Literature Library, in which I have already explained this poem in Hindi. Do like, comment, share, and also subscribe to this channel if you haven't yet. And thank you so much for watching this video.